पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखने पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया और LOC पर फायरबंदी इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया। आयशा फारूकी का कहना था कि भारतीय फोर्सेस ने 25 जून को LOC के केरला सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से बटला मिथरानी गांव की 28 साल खातून शदीद जख्मी हो गईं। उनका कहना था कि रवा बरस भारत ने फायरबंदी इंतजाम की 1487 बार खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में 13 मासूम शहरी शहीद, 106 जख्मी हुए। भारत की जानिब से मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिले मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय फोर्सेस मुसलसल कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है।